सिटी फैक्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरठ, मेरठ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के मेरठ जिले में एक समृद्ध शहर है। यह एक प्राचीन शहर है जहां सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां इस क्षेत्र में और इसके आसपास पाई गई हैं। यह शहर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दिल्ली NCR में स्थित है। मित्र, 2011 तक मेरठ 33वां सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है और भारत का 33वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। दिल्ली के बाद मेरठ NCR का सबसे बड़ा शहर है, जिसे भारत के खेल शहर के रूप में भी जाना जाता है। मेरठ गंगा के मैदानों और यमुना के मैदानों के बीच स्थित है। मेरठ लगभग 4 या 5 विश्वविद्यालयों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा केंद्र है। यह शहर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का घर है। मेरठ दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरिद्वार, बुलंदशहर आदि जैसे प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग काम के लिए हर दिन दिल्ली गुड़गांव आते हैं। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग 58, 119 और 235 मेरठ से होकर गुजरते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक 90 किलोमीटर लंबा नियंत्रित पहुंच एक्सप्रेसवे मेरठ को गाजियाबाद जिले में डासना के माध्यम से दिल्ली से जोड़ता है। मेरठ दिल्ली सहारनपुर विद्युतीकृत रेलवे लाइन पर स्थित है और इसमें 5 रेलवे स्टेशन हैं। मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, परतापुर, मोहद्दीनपुर और पब्ली खास। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त है। दिल्ली और मेरठ के बीच रेलवे लाइन का निर्माण 1864 में किया गया था और मेरठ कैंट स्टेशन, जो एक माध्यमिक रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है, की स्थापना 1865 में हुई थी। साथियों, मेरठ शहर खेल के सामान के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और भारत में संगीत वाद्य यंत्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है। जनसांख्यिकी 2011 की जनगणना के अनुसार मेरठ शहरी समूह की आबादी लगभग 1.42 मिलियन है। मेरठ UMA लिंगानुपात 887 है, जो राज्य के औसत 908 से कम है। की बाल लिंगानुपात 845 है, जो राज्य के औसत 899 से कम है। 12.99% जनसंख्या 6 वर्ष से कम उम्र की है। समग्र साक्षरता दर 76.28% है, जो राज्य के औसत 69.72% से अधिक है। पर्यटन स्थल अगरनाथ मंदिर, यह मंदिर स्थानीय रूप से कालीपलटन मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, उस स्थान पर स्थित है जहां 1857 के युद्ध के सैनिकों ने अपने संचालन की योजना बनाई थी। मंदिर में 1857 के भारतीय विद्रोह के शहीदों के सम्मान में बनाया गया एक स्मारक भी है। पुराने मंदिर को एक आधुनिक संस्करण से बदल दिया गया है। शहीद स्मारक ये स्मारक वैशाली में स्थित संगमरमर का 30 मीटर ऊंचा स्तंभ है। भारत के राष्ट्रीय अवकाश के आसपास स्मारक पर समारोह आयोजित किए जाते हैं। फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क और मनोरंजन पार्क, परतापुर। मेरठ, मेरठ में फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क और मनोरंजन पार्क वाटर पार्क के प्रमुख व्यवसायों में से एक है। वाटर पार्क, मनोरंजन पार्क और बहुत कुछ के लिए भी मेरठ जाना जाता है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।